अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ घरों में होंगे, खैर खैरियत से होंगे। जुमा मुबारक। आज हम बना रहे हैं आलू का भुर्ता, जिसके लिए मैंने एक बड़ा प्याज लिया है, हाफ टी मक्स जितना घी ऑयल लिया है, हरी मिर्चें 2 से 3 अदद हैं, बड़ी हैं तो ये 2 हैं, हरा धनिया 1 मुट्ठी और आलू हाफ के जी हैं, इन्हें मैंने उबाल लिया है। और अब इसको हम ऐसे करके तोड़ लेंगे, ऐसे ऐसे करके मोटा मोटा सा इसको ऐसे कर लेंगे। आग में से क्या हुआ, खुशबू आने लगी तो हाफ टेबल स्पून जीरा डाल देंगे, इससे बड़ी अच्छी खुशबू आने लगी है। और प्याज को हम ब्राउन नहीं करेंगे, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून कुटी हुई मिर्च, 1/4 टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, अब ये मिर्चे मसाले अच्छे से हो गए हैं तो यहाँ हम क्या करेंगे, ये आलू हमने हाथों से मोटे मोटे से, अब आलू भी अच्छे से भुन गए हैं, मसाले में मिक्स हो गए हैं अच्छे से। और यहाँ मैं इसका नमक चख लेती हूँ, एक बड़ी चुटकी मैंने नमक की डाल दी है, सूंघ के डाली है ताकि कम ज़्यादा हो, तो ज़्यादा ना हो कम हो। यहाँ पे डालेंगे हरी मिर्चें, ये जो हरा मसाला होता है ना, ये बहुत ज़्यादा ही इससे बहुत अच्छा अरोमा आता है इसका। 20-25 सेकंड हम इसको इसमें चलाते हैं और बस फिर इसको पका लेंगे। अब धनिया भी डालूंगी इसमें, क्या बात है। और किचन में तो आप ऐसा मान के चलेंगे, बेनतहा अच्छी खुशबू आ रही है, ख़तरनाक किस्म की खुशबू आ रही है। और इसमें बेटा पानी नहीं डलता, बस इसको इसी तरह से बनाया जाता है। आपको ये ज़्यादा मोटे मोटे आलू नहीं पसंद, तो आप चंक्स ज़्यादा नहीं पसंद करते तो आप बारीक कर लीजिएगा, मगर मुझे ऐसे ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि जब बाइट रोटी के साथ हम ये खाते हैं तो ये बड़ा अच्छा लगता है इसका फ्लेवर। और ये हमारा आलू का भुर्ता अच्छा से तैयार हो गया, ज़बरदस्त है। प्लीज़ मेरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, सदियों से बड़ों से हमने जो कुछ सीखा है वही आप तक पहुंचा रहे हैं। हम तो बहुत ज़्यादा गलतियां करते थे, लेकिन आप लोगों के लिए हम गलती की गुंजाइश ही नहीं छोड़ते, जो कुछ हमने सीखा है अपनी गलतियों से वही आप तक पहुँचा रहे हैं। तो प्लीज़ हमारी डिशों को नज़रअंदाज नहीं करें। तो बहुत अच्छा सा अरोमा आने लगा है, फ्लेम ऑफ़ कर देती हूँ, प्रेजेंटेशन करती हूँ और दिखाती हूँ। 5 मिनट में, टोटल 5 मिनट में मैंने ये भुर्ता तैयार कर लिया। आपको अगर देर हो जाए तो आप भी ऐसा करें कि आलू गलने रख दें और बाकी सारे काम करें, उसके बाद हरा धनिया हरी मिर्चें काट के रखें और बस तड़का लगाएं, और मज़ेदार सा आलू का भुर्ता तैयार है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना भी बनता है, और सब्सक्राइब नहीं देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि वो सब्सक्राइब करें, और इसके अलावा मेरी वीडियो पर कमेंट्स दिया करें ताकि मैं मेरी हौसला अफजाई हो। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।